सो पिछले कुछ महीनों से मैं सोच रहा था कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ, लॉन्ग ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, बट मैं बस सोचे ही जा रहा था, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। एंड उसके दो रीजन है, उनमें से एक तो है कमीशन वर्क्स, जो कि मैं डेली के कमीशन वर्क्स करते रहता हूँ, एंड उसी रीजन से मैं खुद के लिए कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता था जिसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ या फिर किसी टॉपिक पर लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। एंड आप में से कई सारे लोगों के कॉमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लॉन्ग वीडियोज भी बनाना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट टूडेज वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले विराट कोहली की ड्रॉइंग। एंड दिस इज द रेफरेंस, उनके हाथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी है। एंड आई नो यहाँ पर वर्ल्ड कप होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, हमारी टीम ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, हमें उसे ही वर्ल्ड कप से कम नहीं समझना चाहिए। और ये ड्राइंग हम करने वाले A3 साइज पर, एंड आउटलाइंस के लिए हम यूज करेंगे ग्रिड मेथड। सो जैसे A3 साइज का पेपर है, तो इसमें हम 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स ड्रॉ करेंगे, 20 वर्टिकल एंड 14 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस। एंड रेफरेंस इमेज विथ एंड विदाउट ग्रिड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, जो कि मैंने कल ही बनाया है। सो अगर आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइन करके, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड जब भी आप ग्रिड्स ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना, बिकॉज आगे जाकर इनका कोई काम तो होता नहीं, हमें इरेज ही करना होता है। सो जितना हो सके उतना लाइटली ही ड्रॉ करना है। एंड आप इस तरह से पेंसिल को होल्ड करके भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगेगा एंड आगे जाकर इजीली इरेज भी हो जाएगा। सो ग्रिड्स ड्रॉ करने के बाद वही आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट है, एंड उसे देखते हुए फिर धीरे धीरे ड्रॉ करना है। अब बाकी सब डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर, आपके पेशेंस पर, आपके प्रैक्टिस पर। सो थोड़ी देर आप इस वीडियो को ऑब्जर्व करो, देखो हम बात करते हैं अब कुछ सेकेंड्स या फिर मिनट्स बाद। एंड आउटलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे किसी भी ड्राइंग में, जो कि काफी सारे बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। एंड इसी रीजन से उनके आर्टवर्क में वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती, उनका वर्क उतना फ्लुएंट नहीं दिखता। सो सबसे पहले आपको अपने आउटलाइंस पर ध्यान देना है, अपने ड्राइंग पर ध्यान देना है, बिकॉज शेडिंग वगैरह देखो इन सब के बाद का स्टेप है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमें एक एप्पल ड्रॉ करना है एंड हमने शेप ड्रॉ कर दिया बनाना का। सो अब आप इसमें कितना भी शेड कर लो, कितना भी पेंसिल घिस लो, अब वो एप्पल तो बनेगा नहीं। इसी तरह अगर आपने आउटलाइंस पर ध्यान नहीं दिया, ड्राइंग पर ध्यान नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी आउटलाइंस को कंप्लीट करके शेडिंग स्टार्ट कर दी, देना आपको वो रिजल्ट तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले आउटलाइंस को अच्छे से टाइम लगाकर ड्रॉ करना, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 1 दिन लगे। एंड पेपर के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं कौन सा पेपर यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस आइवरी 250 GSM स्मूथ सर्फेस, जस्ट बिकॉज इसमें शेडिंग हम कलर पेंसिल से करने वाले। सो कलर पेंसिल के लिए मैं मोस्टली स्मूथ सर्फेस ही प्रीफर करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई स्मूथ सर्फेस वाला पेपर हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास जो हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर।